कर्नाटका में बिजली का दर बढ़ जाने पर भाजपा ने बड़ा बवाल मचाया हुआ, लेकिन यही बवाल इनका नैतिक और दिमागी दिवालियापन दोनों दिखाता है। और आपको मैं समझाती हूँ कैसे। 12 मई 2023 मतलब इसी साल की 12 मई को भाजपा की सरकार मुंबई मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑर्डर पास किया बिजली के टैरिफ बढ़ाने का। ये मार्च से प्रक्रिया चल रही थी, फाइनल ऑर्डर उन्होंने मई में पास कर दिया 12 तारीख को। ये अलग बात है कि 13 को बड़े बहुमत से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हुई और भाजपा को नकार दिया 6.5 करोड़ कर्नाटका से। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि आप इस ऑर्डर को रिवर्स क्यों नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए। 2021 में जो टाइमली रिकवरी कॉस्ट ड्यू टू चेंज लॉ का अमेंडमेंट आया, और नवंबर 2021 में मोदी सरकार ने हर राज्य को लिखकर उस लॉ के बारे में बोला कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोक्योरमेंट मतलब जितने दाम पर बिजली या फ्यूल खरीदती है उसको पास ऑन ही करना पड़ेगा कंज्यूमर। तो मोदी सरकार ने हमारे हाथ बांध, वो अलग दिन की बात है, इसलिए हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये मैंडेटरी है। लेकिन पते की बात क्या है कि कर्नाटक में 2,16,00,000 परिवार डोमेस्टिक बिजली का कंजम्पशन करते हैं। गृह ज्योति योजना जो 200 यूनिट की मुफ्त बिजली देगी हर महीने, उसके लाभार्थी इसमें से 2,14,00,000 परिवार है। 2,16,00,000 सारे परिवार, 2,14,00,000 परिवार मतलब ऑलमोस्ट 99% परिवार लाभार्थी हैं गृह ज्योति योजना के, जो 200 यूनिट से कम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं महीने की। हम रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको कानून की बात बताई, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 2,16,00,000 जो बिजली के कंज्यूमर्स हैं उसमें से 2,14,00,000 लाभार्थी हैं गृह ज्योति योजना के, और वो आराम से अगर 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो इनको बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो भ्रांतियां फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देना चाहिए और लोगों की भलाई का काम शुरू कर देना चाहिए। कर्नाटका ने एक सबक सिखाया था, वो सबक याद रखें।